2016 में चीन के यूनान प्रांत के एक गांव में रहने वाली सुयुन नाम की एक महिला छुट्टियों में एक तिब्बती मस्टिफ का पप्पी 25,000 में खरीदकर अपने घर लेकर आई। तिब्बती मस्टिफ काले भूरे कोट वाले विशाल कुत्ते होते हैं। इनका वजन 150 पाउंड तक हो सकता है, लेकिन 2018 तक उसका वजन 250 पाउंड का हो गया था। वो अपने कुत्ते की भूख देखकर बहुत हैरान थे, जो हर रोज ताजे फलों का एक डिब्बा और दो बाल्टी नूडल्स खा जाता था। उस कुत्ते का वजन लगातार बढ़ता ही जा रहा था, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उनकी ये उलझन अचानक डर में तब बदल गई जब उन्होंने अपने कुत्ते को दो पैरों पर आसानी से चलते देखा, और उनका शक यकीन में बदल गया कि जिसे वो एक तिब्बती मस्टिफ समझकर 2 सालों से पाल रहे हैं, वो असल में एक एशियाई काला भालू है जिसका वजन 400 पाउंड तक हो सकता है। पुलिस को फोन किया गया और उस भालू को वन्य जीव आश्रय बचाव केंद्र में सुरक्षित भेज दिया गया। क्यों हर बार ये चीनी ही कुत्तों के नाम पर कभी बैम्बू रेड, कभी हाइना, तो कभी भालू अपने घर पर ले आते हैं? क्या सच में इन्हें बचपन में पहचानने में इतनी बड़ी गलती हो सकती है?